मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत पागवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कराए गए शौचालयों के निर्माण पर धांधली का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत पागवाड़ा के सभासदों द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग उठाते हुए अधिशासी अधिकारी एवं ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि नगर पंचायत पागवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जिसमें 497 शौचालयों का निर्माण होना था। आरोपी की लगभग 30-40 शौचालयों का बिना निर्माण कराए पूरा भुगतान कर दिया गया। सभासदों का आरोप है कि उनके द्वारा अधिशासी अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने सभासदों की एक नहीं सुनी और कहा कि शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है और पूरा भुगतान भी कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। यह भी आरोप है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी ओर से समस्त एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें लाभार्थियों से जबरन हस्ताक्षर कराए और कहा कि आपको उसके बदले में कुछ रकम दे दी जाएगी। जिला अधिकारी को सभासदों द्वारा एक अन्य शिकायती पत्र भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि नगर पंचायत पागबड़ा में लगभग 87 कर्मचारी कागजों में दर्शाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर 57 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। आरोप है कि नगर पंचायत पागबड़ा में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभासदों द्वारा दोनों प्रकरण की जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। पार्षद पुत्र मोहम्मद नदीम ने जिलाधिकारी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र देने वालों में नफीस अहमद, इस्लाम हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुज्जसिम एवं नितिन कुमार आदि सभासद भी मौजूद रहे। नदीम जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं नगर पंचायत पागबड़ा से आया हूँ। मैं सभासद पुत्र हूँ और बाकी मेरे भाई हैं, सब सभासद हैं। हमारी नगर पंचायत में भारत सरकार के द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जिसमें 497 शौचालयों का निर्माण होना था, लेकिन अधिशासी और ठेकेदार की मिली भगत से 30-40 शौचालयों का बिना निर्माण कराए ही भुगतान पूरा कर दिया गया। और जिनकी स्थिति ये है, हमने अधिशासी अधिकारी को अपने वार्डों की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि 497 शौचालय पूरे बन चुके हैं और अपनी तरफ से ये लेटर जारी करा उन्होंने डरा धमका कर लाभार्थियों से जबरन हस्ताक्षर करा रहे हैं इस पर कि हमारी तरफ से शौचालय पूरे बन गए हैं और कोई शौचालय बाकी नहीं रहा है। हम इसकी शिकायत डीएम साहब को देने के लिए जा रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। सरकारी खजाने की बंदरबाट कर रही है बुरी तरीके से, कहने के बावजूद कोई काम नहीं किया जा रहा है। मौके स्तर पर ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये हालात हैं। इस गटर के अंदर बच्चा गिर गया था, हमने अभी बस्ती में जाके पता करा कि बच्चा बड़ी मेहनत से अपनी जान बचा पाया। पानी भर गया था इसमें, बरसात का पानी, कुछ टाइम पहले, और कम से कम 1.5 साल से ये ऐसी पड़ी है। ये स्थिति है, ये देखो, बाकी लोग सब जंगल में जाते हैं सोच करने के लिए। ये स्थिति है, पर्दा टांग कर बुरी हालत कर रही है नगर पंचायत पार्क बढ़ेगी अधिशासी अधिकारी ने। क्या चाहते हैं फिर आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, इनकी जाँच हो टॉयलेटों की और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। जो भी उन्होंने ठेकेदार से मेरी बात हुई, ठेकेदार की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठेकेदार ने कहा है कि पेमेंट अधिशासी अधिकारी ने की है और अध्यक्षता है हमारी खेमबती जी, दोनों की मिली भगत से ये काम हुआ है।